हेलो एवरीवन, दिस इज केयो एक्जॉटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन बंदों के लिए जो जेन्युइनली अपनी एम इंप्रूव करना चाहते हैं गेम पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आप लोगों को एक क्लिप शो करी थी जहाँ पे मैं बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहा था। तो आप में से काफ़ी सारे बंदे सोचते होंगे मैंने वो वाली क्लिप क्यों शो करी और उस वाली क्लिप का इस वाली वीडियो से क्या रिलेशन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है इस वाली गेम में एम कितना ज़्यादा मैटर करता है, और क्लोज रेंज पे जिसने पहले हेडशॉट कनेक्ट करी समझो वो फाइट जीत गया। तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों की एम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, और मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा क्रॉस एयर प्लेसमेंट के बारे में। तो यार वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो अब हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन सी ड्रिल करनी है। तो सबसे पहले ड्रिल के लिए आप लोगों को स्कारल लेनी है और उसमें सिर्फ रेड डॉट और एक्सटेंडेड लगानी है, और कोई भी अटैचमेंट नहीं लगानी। उसके बाद ये जो पांच मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिख रही है ना आप लोगों को, इनमें से सबसे पहले वाली ऑब्जेक्ट के हेड पे आप लोगों को स्कोपिंग करनी है, फिर उसके बाद बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स की हेड पे आप लोगों को स्प्रे ट्रांसफर करनी है, वो भी विदाउट फायरिंग। तो चलो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देख सकते हो ऐसे करनी है आप लोगों को। इससे होगा कि आप लोगों को आदत हो जाएगी डायरेक्टली बंदे की हेड पे स्कोपिंग करने की, और स्प्रे ट्रांसफर भी आप लोगों की बंदे की हेड पे ही होगी। हमारी जो सेकंड ड्रिल है, इस वाले ड्रिल पे आप लोगों को इन पांचों ही मूविंग ऑब्जेक्ट को स्कारल से जिगल करते हुए 40 बुलेट्स में गिराना पड़ेगा, कुछ इस तरह। आप लोग जब भी स्प्रे देते रहोगे ना इन मूविंग ऑब्जेक्ट पे, ट्राई करना है कि हमेशा अपनी क्रॉसियर को हेड लेवल पे रखना। इस वाली ड्रिल से ना आप लोगों की हिप फायर और एम एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलो मैं अब आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ जिसपे ओपोनेंट की बहुत ही ओपी जिगल और खतरनाक मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें किल कर दूंगा। और मैंने आप लोगों को जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं क्रॉस एयर प्लेसमेंट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Team leads with expired. जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा सामने वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, हमारा ही क्लैनमेट है वो। तो अगर आप लोगों को अपनी हिप फायर इंप्रूव करनी है, गेम प्ले इंप्रूव करनी है, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और वैसे एक और मैंने वीडियो अपलोड करी थी गेम सेंस के ऊपर, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसकी भी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को क्रॉस एयर प्लेसमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी जायरो ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जायरो हम ऑफ कर चुके हैं। अब आप लोगों को ये जो सामने बोर्ड दिख रही है, इस वाली बोर्ड के सेंटर पे मैं अपनी एम को अभी प्लेस कर लूंगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही सेंटर पे हमारी एम प्लेस हो गई। अब मैं आप लोगों को स्कोप आउट करके दिखाता हूँ हमारी क्रॉसहेयर की पोजिशन क्या है। तो देख लो, अभी मैंने जब स्कोप आउट किया तो हमारी क्रॉसहेयर की पोजिशन अपर राइट साइड है हेड की, और जब मैं स्कोप इन कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही सेंटर पे जा रही है। तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, रुको मैं अभी आप लोगों को फायर करके समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं स्कोप आउट कर लिया हूँ, अब यहाँ पे मैं हिप फायर देता हूँ। देखो मैंने फायर की, ये जो फायर की बुलेट शॉट की मार्क देख लो बोर्ड में आई है हेड की अपर राइट साइड पे, और जब मैं वही स्कोप इन करके फायर करता हूँ ना तो हमारी एम बिल्कुल ही एक्यूरेट, देख सकते हैं टारगेट को हिट कर रही है। तो अभी भी आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी क्रॉस एयर की पोजिशन देखो कहाँ पे, ये हेड की थोड़ी सी अपर राइट साइड पे है, और वही मैं देखो जब स्कोप इन कर रहा हूँ ना तो हमारी एम बिल्कुल ही सेंटर पे प्लेस होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो हमारा क्रॉसियर है वो देख लो हेड की अपर राइट साइड पे ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो अब आप लोग सोचते होंगे ऐसा हो क्यों रहा और इससे होगा क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा बुलेट स्प्रेड की वजह से हो रहा। जब भी आप कोई भी बोर्ड को या टारगेट को हिट करोगे आप लोग क्रॉसियर से, हिप फायर से, तो आप लोग देख लेना आप लोगों की बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगी। और वही चीज अगर आप लोग जब स्कोप इन करके कोई भी स्कोप लगाकर आप फायर करोगे तो आप लोगों की एक्यूरेसी वो जो इंक्रीज हो जाती है। आई होप ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को दूसरे पॉइंट बता देता हूँ इससे होगा क्या? इससे आप लोगों की मिड रेंज की फाइट में इफेक्ट पड़ने वाला है। मान लो अगर आपसे बंदा 100 मीटर अवे और आप उसे हिप फायर दे रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग बुलेट मिस करोगे,
तो आप लोगों की बुलेट स्प्रेड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को ही पता है जब बंदे आप लोगों से क्लोज होते हैं तो आप लोगों को एम करने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन अगर बंदे आप लोगों से दूर होते हैं तो आप लोगों को हिप फायर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आप लोगों की बुलेट स्प्रेड की वजह से एम भी काफ़ी ज़्यादा चोक हो जाता है। तो आप लोग मिड रेंज की फाइट में बुलेट स्प्रेड को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं और अपनी एम एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि क्राउच करने से हमारी रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा हद तक डिक्रीज हो जाती है, वैसे ही आप लोगों को अगर मिड रेंज की फाइट हो तो आप लोग क्राउच एंड शूट करना, जिससे आप लोगों की रेड स्प्रेड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस वाली क्लिप पे देखो, बंदा मेरे से ठीक ठाक के डिस्टेंस पे था इसलिए मैंने क्राउच एंड शूट किया, जिसके वजह से मेरी बुलेट स्प्रेड काफ़ी कम हुई और मैंने उस बंदी को इजली किल कर दिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।